नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम ट्रैवलर में। और आज मैं नंदी हिल आया हूँ जो कि बेंगलोर से लगभग 68 किलोमीटर दूर है और ये कर्नाटका के चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। नंदी हिल के समुद्र तल से कुल ऊंचाई लगभग 4849 फीट है और नंदी हिल का निर्माण गंगा डायनेस्टी ने किया था और बाद में इसे टिप्पू सुल्तान ने नंदी हिल पर विजय प्राप्त कर ली। और भी कई कहानियां हैं जो नंदी हिल की उत्पत्ति के बारे में दर्शाती। कुछ लोगों का मानना है कि नंदी हिल्स का नाम उन्हें 1300 वर्ष पूर्व कई द्रविड़ शैली टेम्पल होने की वजह से मिला। 18वीं सदी में नंदी हिल टिप्पू सुल्तान का समर फोर्ट हुआ करता था और जो मेन फोर्ट था टिप्पू सुल्तान का वो मैसूर में स्थित है। नंदी हिल की सबसे बड़ी खूबी है यहाँ का सूर्योदय। यहाँ हजारों की संख्या में सुबह ही सूर्योदय को देखने के लिए हजारों पर्यटक इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ के सूर्योदय का काफ़ी आनंद लेते हैं। और आप किस किस सीजन में नंदी हिल घूम सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट जो सीज़न है नंदी हिल घूमने के लिए वो समर रहता है, जो कि मार्च से मई के बीच में रहता है और जिसमें टेम्परेचर 23-40 डिग्री सेल्सियस वेरी करता है। और ये बेस्ट टाइम है नंदी हिल घूमने के लिए और आप यहाँ सुबह का सनराइज़ का लुत्फ उठा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नंदी हिल का एक प्राचीन पुल जिसकी कुल लंबाई है 10 फीट और इसकी हाइट आप मेजर कर सकते हैं जो कि 6 फीट है। और नंदी हिल में सुबह सुबह काफ़ी सारे बाइक राइडर इसके जिग जैग पाथ का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। इसके अलावा नंदी हिल में आप पैराग्लाइडिंग और एक लंबी वॉक कर सकते हैं। और आप सच में एक बाइक लवर हैं और आपको एक लंबी जर्नी के लिए जाना है तो नंदी प्लेस बेस्ट है। और अब हम बात करेंगे टिप्पू ड्रॉप के बारे में जो कि नंदी हिल में सबसे ज़्यादा विजिट होता है और इसकी कुल ऊंचाई 600 मीटर है और इसका यूज़ वो लोग प्रिजनर को सजा देने के लिए यूज़ किया करते थे और प्रिजनर्स को इस क्लिफ से ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।